बोल भक्त शर भगवान की श्री राम जय जय कर ऐसा बोल दो बड़ी जोर से, इससे आवाज पहुंच जाए कैलाश ना तुम पहुंच जाए, पर अब खतरा की घंटी है कि ये 10 बजे से तुरई ना लगाए इंग्लैंड में तो रही जाएगी। जयकारा बोलने से 10 इंद्रियों के दरबार खुल जाएंगे, आंखों में तो थोड़ी नित्रा देवी की झुक्की आ रही है वो दूर हो जाएगी। भगवान की बोल, बहरे वाली मैया की बोल, बरखंडी सरकार की बोल, रूपी शंकर महाराज की वही कथा की बात चलती है। कह दिया मने कर दिया थोड़ा जाने, मेरी भी नहीं मानेगा। कुंती पहुंची गांधारी के यहाँ, बहन तू ही कह दे कुछ, तू ही दे दे कुछ। गांधारी ने कहा कुंती एक काम करो, तुम मेरे भोजनशाला में रह जाओ, भोजन बनाओ, मैं 100 बालकन ने खवा दी, तुमने अपने 5 बालकों को खिला दिया। कुंती ने सोची मर्यादा तो बनी रहेगी, चलो घर के टुकड़े खाएंगे तो मर्यादा नहीं जाएगी, घर घर भीख मांगूंगी, बच्चों को खिलाऊंगी तो मर्यादा चली जाएगी। कुंती ने स्वीकार कर लिया भोजन बनाना, भोजन बनावे अपने 5 खिलाओ। एक दिन आयो रविवार का दिन, दूसरे दिन था सोमवार। रविवार के दिन गांधारी ने कही कुंती कल बनाना 36 तरह के भोजन, क्यों? कल में भोले बाबा की पूजा करोगी, पूजा मैं नहीं करूंगी तू नहीं करेगी, क्यों? पूजा होगी कनक पुष्पों से, सोने के फूलन से, एक से एक सोने के फूलन से पूजा होगी, खजाना मेरा है तुझ पे क्या रखा है। कुंती को दुख हो गया, 5 बालक शिकार खेल के आए, भीमे सबसे ज्यादा भूख लगती, भीम ने कही मैया भोजन दे दे, कुंती ने मुंह फेर लिया, भीम की मैया हमें भूख लगी और तुमने मुंह फेर लिया, क्या बात है? कुंती की आंखों में आंसू आ गए, यदि तुम 5 जन्म हुआ उसी वक्त यदि खत्म हो जाते तो मुझे ये समय देखने को नहीं मिलता, मैं तुम्हारी वजह से भोजन बना रही हूं, और वो भी कल गांधारी पूजा करेगी भोले बाबा की, वरदान ले लेगी, तुम मेरे 5 अनाथ के अनाथ रह जाओ। पूजा काय की, काय की पूजा होगी सोने के फूलों से। गांधारी ने कहा है कि सोने के फूल तो मुंह पे है, खजानो मेरो तो पे कहा रखो, तायना दे दिए, माता बहने किसी का तायना सहन नहीं कर सकते। कुंती को दुख हो गया, आंखों में आंसू आने लगे। अर्जुन ने कहा मैया घबराए मत, भोले बाबा की पूजा मैं कराऊंगा, कनक पुष्प मैं मंगाऊंगा, तुम तो भोजन कराओ। कुंती ने 5 बालकों को भोजन कराए। रात के 10 बजे कुंती ने कही अर्जुन कनक पुष्प, मैया अभी तो 10 बजे, रात के 12 बजे फिर कुंती ने कहा अर्जुन कनक पुष्प। कुंती तुझे लगी कि मुंह पहले पूजा नहीं करा, मैया वही तो 12 बजे है, मैया न सोई और न सोने कनक पुष्प लेके बाहर जो है भोले बाबा के मंदिर में पुष्पों का ढेर लगा दिया। मैया जाओ कनक पुष्प मंदिर में मिल जाएंगे। मैया चली, कुंती कैसे चली, साधारण थाली लोटा में जल बील पत्र धर ले, चंदन चावल ले ले बिचारी को, रुका दूर लेके मंदिर में पहुंच गई। देखा तो हजारों कनक पुष्पों का ढेर मंदिर में लगा, एक उसे एक कनक पुष्प मैया ने कुंती ने थाली में रख ले।
भोले बाबा पे जल चढ़ायो, कछु मंत्र नहीं जानो, ओम नमः शिवाय कह के जल चढ़ाई दे, पंचाक्षरी मंत्र है। भोले बाबा पे जल चढ़ायो, भोले बाबा के चंदन लगायो, भोले बाबा पे बिलपत्र चढ़ाए और प्रार्थना करने लगी। क्या कहती है कि डगमग है रही भोलेनाथ नैया भवसागर में, और क्या कहती है कुंती कि नमामि समीशान निर्वाण रूपम शिवम व्यापकम ब्रह्मवेदम स्वरूपम अयम निर्गुणम निर्मलकल्पम निरीहम चिदाकाश समाकाशवासम भजेऽहम कर्पूर गौरम करुणामतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयानुबिन्दे भवम भवानी सहितम नमामि। भोलेनाथ आप जय हो, जय हो। और जैसे ही कुंती ने कनक पुष्प चढ़ाए, कनक पुष्प चढ़ाते ही भोले बाबा मंदिर में प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा बोले कुंती तू वरदान मांग ले। कुंती ने कहा भोलेनाथ आप तो अवडरदानी गटगट की जलने वाली, मैं क्या कहूँ आप ही दे दो।
भोलेनाथ ने कहा, कुंती तो जा, तेरा पुत्र युधिष्ठिर राजा बनेगा। पहला आशीर्वाद महाभारत में युधिष्ठिर को भोलेनाथ का मिला। पूजा करके मंदिर से आ रही थी, सवेरा हुआ, गांधारी को पता नहीं कि पूजा कर आई। फौज पलटन सज रही, बैंड बाजे तैयार, रथ सज गयो, काहे के लिए भोले बाबा की पूजा। गांधारी बैठ गई रथ में, बैंड बाजे तैयार, रथ चलो, बैंड बाजे बजत जा रही है, रथ में बैठी है गांधारी। सोने की थाली, सोने को लोटा, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच, अहंकार था। रस्ते में जैसे आई, निगाह पड़ी बांदी की, महारानी तुमको ये कुंती तो पूजा कर आई, बुलाओ से। गांधारी ने कुंती को बुलाया, पूछा कहाँ गई थी गांधारी कुंती? कौन गई? भोले बाबा के मंदिर में गई, गाय को पूजा कर आई। कहने का पुष्प कहाँ से आए? इसका मतलब तेरे रात को खजाने में से चोरी करवाई। क्या कहा कुंती ने? चोरी नहीं कराई, कनक पुष्प मेरे पुत्र अर्जुन ने मंगा दिया। बस गांधारी समझ गई कि वरदान तो ले आई, चलो वापस। रथ गांधारी ने महल को वापस ले आया। कहते हैं कि डका में डका और टका में, ये बात बिल्कुल सच है। पाने को ठेपर लगी होगी तो बड़ी जगह में ठेपर दोबारा लगेगा। कुंती महल में आई, आनंद से रह रही है। इधर में फिर समय आया, काय को हाथी आ गया। माता बहने हाथी की पूजा करते कनागतों में। फिर गांधारी ने कहा, कुंती कल भोजन बनाना, 36 तरह के, क्यों? कल हथिया आठवीं में हाथी पूजा हुई, तो मैं नहीं पूजा, तू पूजेगी। तीन पांच एक छोटा सो हाथी बने, मैं सोए नेक नेक गोंदा लांगे, तोनू बड़ो हाथी बन जाओ। फिर कुंती को फिर चिंता हो गई। पांचों बालक शिकार खेल के आए, भीम ने कही मैया भोजन दे दे, फिर मैया ने मुंह फेर ले। अब का समस्या आ गई, भीम ने कही मैया अब क्या परेशानी है? कुंती ने कहा, भीम मुझे ताइना दिया है गांधारी ने कि बड़े हाथी की पूजा करूंगी। भीम ने कही मैया हाथी की पूजा मैं कराऊंगा। अर्जुन ने भैया ने पूजा कराई भोलेनाथ की, और मैं ऐरावत की पूजा कराऊंगा, तुम तो भोजन दे दोगे। कुंती ने पांचों बालकों को भोजन कराया। सवेरा हुआ, भीम ने कही मैया मैं माथे पे तिलक लगा दे, मेरी भैया पूज दे, मुझे आशीर्वाद दे दे। माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद लेके जो बालक जाते हैं उन्हें सफलता मिलती है। हनुमान जी ने लंका में माता ही तो आशीर्वाद लिया, क्यों लिया? हनुमान जी जब गए घूमते फिरते बहुत समय हो गया, हनुमान जी ने क्या कहा कि अब तुम अतिशय भूखा और लागे देख सुंदर फल रूखा। मामू भूख लगी है। जानकी जी ने क्या कहा? हनुमान सुन सुत करे विपन रखवारी और सुबट महाराज नीचर भारी। फिर हनुमान जी ने क्या जवाब दिया कि तिन कर भाई माता मुई नहीं और जो तुम सुख मानो मन माही। मैया उनका डर नहीं है, फिर भी एक डर था मैया, कौन सा? हनुमान तुम तो छोटे हो, निशाचर बड़े बड़े। हनुमान जी ने कही मैया देख तेरे में देखो नाने में कैसे है। हनुमान जी तुरंत बड़े बन गए, काय के द्वारा? हनुमान जी आठ शक्ति थी, अड़िमा सिद्धि के द्वारा बड़े बन गए। देख मैया मैं कितनी बड़ो। फिर जानकी जी ने आशीर्वाद दे दिया, क्या दिया? कि अजर अमर, अजर अमर गुण नीति Oh
आशीर्वाद दे दिया। अमरता का वरदान जानकी जी ने ही हनुमान को दिया। वही कथा की ओर आते हैं जहां भीम कह रहा है मैया मुझे आशीर्वाद दे दे, मैं तिलक लगाए दे, भुजाएं पूज दे। मैया ने भीम के माथे पे तिलक लगाए दे, दोनों भुजाएं पूज दी, दोनों हाथ से आशीर्वाद दे दिया। भीम की देखो भैया अर्जुन भैया तुम बाणों की सड़क बना देना, मैं हैदराबाद को लेके आऊंगा सड़क बना देना। अर्जुन ने कहा ठीक है भैया, मेरा मत लेने जा रहा हूं इंद्र का स्वर्ग में। भीम गया स्वर्ग में और जैसे गया तो अप्सराएं दरवाजे पे खड़ी हुई थी। अप्सराओं ने भीम को रोका, कौन है कहां जा रहे हो? भीम ने कहा अड़ जाओ। जैसे ही गुस्सा में निगाह टेढ़ी की अप्सराएं डर गई, टेढ़ जान शंका सब काऊ और वक्र चंद्रमा के सैन अपने आप रास्ता दे दिया। भीम पहुंच गया इंद्र के दरबार में, निगाह पड़ी किसकी? देवराज की। देवराज का भीम कैसे आए भैया? मैं तुम्हारे ऐरावत को लेने आया हूं। इंद्र ने विचार किया ऐरावत कोई मामूली हाथी कैसे ले जाऊं? पीलवान, पीलवान किसे कहते हैं जो ऐरावत को जो हाथी को घुमाता फिराता है बैठता है, पीलवान से कह दिया। पीलवान भीम को ले जाओ ऐरावत के पास, कुल लेगा ये ले जाएगा। पता था इंद्र को ऐरावत को ले नहीं जा सकता। जैसे ही पहुंचा भीम ऐरावत के बगल में, ऐरावत ने सूंड में लपेटा दे लिया, भीम को लपेट लिया। अब तो भीम के प्राण संकट में, तो भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया था द्वारकाधीश ने क्या कि पांचों पांडवों पर विपत्ति आएगी तो रक्षा मैं करूंगा। किससे कहा था? कुंती बुआ से। बुआ तेरे पांचों बालकों पर विपत्ति आएगी, रक्षा मैं करूंगा। वो याद भीम को आ गई, भगवान ने कहा था कि विपत्ति आ गई तो रक्षा मैं करूंगा। तो भगवान का नाम क्या है? विपत बिलारण हार। कष्ट में जिसको मिलिए भगवान किसको मिलिए? दुख में मिलिए, खुशी में किसी को मिली? किसी को नहीं मिली। मीराबाई को मिली तो दुख में मिली, नरसी को मिली दुख में मिली, द्रौपदी को मिली दुख में मिली, खुशी में सुख में भगवान किसी को नहीं मिली। भीम को याद आ गई, भीम भगवान का स्मरण करने लगा के गोविंद दाम धर्मा कृष्ण सखीती हे माधव हे गोविंद मेरी रक्षा करो, मुझे बल दे दो। भगवान ने भीम को बल दे दिया, भीम सूंड में से हट गया। भीम ने ऐरावत की सूंड को पकड़ लिया और लेके चल दिया। अर्जुन भैया ने बाणों की सड़क बना दी। भीम जो है ऐरावत को लेके आ रहा है अर्जुन की सड़क के द्वारा, आकाश में देखते सड़क बन जाती है। जैसे नजदीक आए तो किसने? दुर्योधन ने चाल चल दी, क्या सड़क को तोड़वा दिया, सड़क तोड़वाई भीम और ऐरावत बेहोश गिर पड़े। कुंती दौड़ी आई युधिष्ठिर, अर्जुन नकुल सहित दौड़ी देखे आगे, भीम को क्या हो गया क्या हो गया? कुंती ने कहा हे भगवान तुमने तो कहा था कि मैं रक्षा करूंगा, कष्ट आएगा तो ये क्या हो गया? भगवान दौड़ी देखे आगे, भगवान ने कहा घबराऊंगा। ऐरावत पर और भीम पर अपना हाथ फेर दिया, हाथ फेरते ही शरीर की पीड़ा दूर हो गई। बोल भक्तशल भगवान की। जैसे सुग्रीव के शरीर पर फेराते हैं, बाली और सुग्रीव से जब युद्ध हुआ प्रथम दिन बाली ने सुग्रीव की नसें ढीली कर दी तो मने कर दिया सुग्रीव ने, प्रभु मैं अब कल युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? आज बाली ने मेरा शरीर ऐसा कर दिया, कल तो मुझे मार ही देगा। भगवान ने क्या जवाब दिया? सुग्रीव एक रूप तुम भ्राता तो यही भ्रमते नहीं मारे हो, एक रूप था तो मेली कंठ सुमन की माला,
माला पहना दी राम मान ली, इससे मुझे परिचय रह गया कि तू सुग्रीव और वो बाली भगवान ने ऐरावती और भीम के ऊपर हाथ फेर तो स्पष्ट शरीर हो गया। ऐरावती तू लेके भीम आ गया, मैया पूजा कर। कुंती ने कहा बहन गांधारी को भी बुला लो। बुलावा भेजा, गांधारी ने मना कर दिया। कुंती पूजो तो भी पूजा कर, गांधारी ने ऐरावत की पूजा की। धन्य है प्रभु की कृपा, वो जिसको चाहे जिस पर कृपा कर दे उसकी तो बात ही क्या है। क्या कि जा पर कृपा राम की होई, और ता पर कृपा करे सब कोई। इस पर प्रभु की कृपा है, सब कृपा कर देंगे, और परमात्मा रूठ जाए तो संसार रूठ जाएगा। जिसने भगवान की भक्ति की है उसे कष्ट जरूर मिला है, पर अंत में विजय भक्त की होती है। एक भगवान के परम भक्त थे, गरीब थे बेचारे। शेठ जी के यहाँ से 100 रुपया ले आए। शेठ जी 100 रुपया दे दू है जाएंगे तो मैं ब्याज के मैं तुम्हें वापस दे जाऊंगा। जब हो गए 100 रुपये, वो गरीब भक्त शेठ जी को रुपया दे भी गयो। रुपया तो ले ले पर बही खाते में तो नहीं काटे। समय आने पर उस भक्त पर मुकदमा दायर कर दिया शेठ ने। मजिस्ट्रेट के यहाँ मुकदमा पहुंच गया। मजिस्ट्रेट ने तामील निकाली, भैया अमुक व्यक्ति ने 100 रुपये नहीं दिए, जाओ चपरासी तामील लेके गया। क्यों भैया, तुमको मजिस्ट्रेट के सामने बुलावा है, तुमने रुपए नहीं दिए। तो भक्त पहुंच गया मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट ने कहा, क्यों भैया तुमने 100 रुपये नहीं दिए। महाराज दे तो दे, पर कब मानेंगे, जब गवाह होगा। बगैर गवाह के बात सत्य नहीं मानी जाती है। अब्बा ने गवाह तो कोई नहीं हूं, पर भगवान राम की पूजा करता था। उस भक्त ने कहा, हाँ गवाह आते हैं, कौन है, गवाह का नाम लिख लो रघुनाथ। उस भक्त ने गवाह को नाम लिखवा दो रघुनाथ। मजिस्ट्रेट साहब ने रघुनाथ के नाम तामील निकाल दी। 10 तारीख लगी, तामीले लेके चपरासी पहुंचो नगर में। भैया को रघुनाथ आते, बोले जय को रघुनाथ ना। रघुनाथ को एक मंदिर जरूर है गांव के पाए। चपरासी ने सोची, जब तामीले मंदिर में ही डाली। चपरासी गया, उस तामील को भगवान के मंदिर में डाले आया। संजा को पुजारी आयो पूजा करे। पुजारी ने कही, हो वाह, वो याद पता चलेगा तुम गवाही देवी जा तो हो प्रभु। 10 तारीख लगी है। 10 तारीख को नंबर आयो, भगवान गवाह बन के चल दिए। कैसी बनी, धोती कुर्ता पहने है, छड़ी हाथ में ले ले, झुकी सी कमर है, वृद्ध बन गए। अदालत के दरवाजे पर पहुंच गए। अदालत के दरवाजे पर 3 आवाज लगती है, कैसी, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर। 3 नारे जो लगाए, वृद्ध यटपटी और झुकी सी देह अवे, ओ आज रघुनाथ जू गवाह बन आए। भगवान गवाह बन के पहुंच गए। मजिस्ट्रेट साहब के सामने पहुंचे। मजिस्ट्रेट ने कहा, क्यों भैया तुम ही रघुनाथ हो। हाँ मैं ही रघुनाथ हूं। तुम्हारे सामने दिए 100 रुपए। हाँ मेरे सामने दिए, इसका प्रमाण शेठ जी के जाओ तो मंजिली पर 5 नंबर की अलमारी में से 10 नंबर की बही ले आओ, 15 नंबर पेज पर मेरी दस्तखत हो रही है। भगवान कैसी माया रखी, मायाधारी है, लीलाधारी है। सिपाही गया दुमंजी के, गया 5 नंबर की अलमारी में से 10 नंबर की बही लेके आ गए। भाई मजिस्ट्रेट के सामने टेबल पे आ गई, 15 नंबर पेज खोला, क्या देखा, उसमें लिखा हुआ था, मैं अमुक गवाह रघुनाथ, मेरे सामने अमुक व्यक्ति ने 100 रुपए मैं ब्याज के दिए। मजिस्ट्रेट ने कहा, कुछ नहीं, सेठ के हाथ में हथकड़ी डाल दी। सेठ के हाथ में हथकड़ी डाली और भगवान चले गए गवाही देखे। मजिस्ट्रेट ने विचार किया, ओहो गजब गजब,
ये तो भगवान की गवाही देते रहे और मैं मजिस्ट्रेट बन के कुर्सी पे बैठा रहा। मजिस्ट्रेट ने कलम तोड़ दी, उसी दिन से भगवान का भक्त हो गया। ये वृंदावन की सत्य कथा है। तो जिस पर भक्त की कृपा भगवान की कृपा होती है उस पर सभी कृपा कर जाते हैं। चलो वही कथा की ओर चलते हैं। इधर में ऐरावत की भी पूजा हो गई। अब दो दल बन गए, एक कौरव एक पांडव। बड़े हुए, बड़े जब हुए, एक दिन द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, उसमें शर्त थी जो कोई मत्स्य भेदन कर देगा मछली की आंख में बाण दे देगा उसी के साथ में द्रौपदी का स्वयंवर किया जाएगा। यही किया, तुरंत जाके अर्जुन ने मत्स्य भेदन किया, द्रौपदी को ले आए, द्रौपदी को लेके आए। द्रौपदी को लेके आए, कहा मैया उसे लेके आए। मैया ने क्या कहा, पांचों भैया बांट दो, पांचाली कहलाए। ऐसा महल था इनका बहुत सुंदर, एक सभा थी उसमें ये पता चलता मानो तो सूखे की जगह पे गीला है, गीले की जगह पे सूखा लगता है। द्रौपदी ऊपर छज्जे पर खड़ी हुई थी, द्रौपदी छज्जे पर खड़ी है, दुर्योधन जा रहा था तो सूखे की जगह पे पानी दब रहा था, वस्त्र ऊपर किए, द्रौपदी को हंसी आ गई कि अंधों के अंध ही होते हैं। बस वो बात दुर्योधन को चुभ गई और कहा मामा शकुनी ये बदला लेना है। मामा ने कहा भांजी चिंता मत करे, जुए का खेल रच दो। जुए का खेल रचा जिसमें युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पे लगाया, द्रौपदी को भी हार गए, द्रौपदी को हार गए। अब तो आज्ञा दे दी दुशासन को, दुशासन द्रौपदी को ले आओ, बड़ी सभा में नग्न कर दो। पहुंचा दुशासन महल में, द्रौपदी बैठी हुई थी। द्रौपदी चलो, मने किया पर दुष्ट नहीं माना, जबरदस्ती से द्रौपदी को बड़ी सभा के बीच में ले आया। जब सभा के बीच में लाया उस वक्त द्रौपदी ने देखा तो यहाँ मेरे पांचों महारथी पति बैठे हैं, भीम जैसे गदाधारी, अर्जुन जैसे धनुधारी। द्रौपदी ने निगाह दी तो सबकी गर्दन नीचे झुकी हुई, पितामह की ओर देखा, पितामह की भी गर्दन झुकी है। जिसकी तरफ द्रौपदी देखती है सबकी गर्दन झुकी हुई है। तब द्रौपदी ने विचार किया अब सिवाय परमात्मा के मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं है। तजी और कोया सरुई कृपाल निधि नाम तुम्हारे की फेंट फसी है और दीन दया ले सुनी जब ती तब ती उर में ऐसी बसी है के तुम्हारी में जाऊं कहा प्रभु जाओ विधि जा लम मीन फसी है ओहे के तुम्हारी लाज गई प्रभु मेरी हसी नन तेरी हसी है। द्रौपदी की आंखों से आंसू, द्रौपदी रोने लगी, दुष्ट दुशासन साड़ी खींच रहा है। द्रौपदी ने कुछ समय के लिए साड़ी को मुंह से दबाया पर जब मुंह से भी हटा दिया पुकार लगा दी परमात्मा से, कैसे द्रौपदी रो रही तन व्यथित हो रही श्याम आना आके मेरा बसन ये बड़ा Thank you.
द्रौपदी ने पुकार लगा दी, प्रभु आना, आके मेरा बसा नहीं है। अब देखिए यार, गुड़ बातें हैं, दो बातें कैसी है। भगवान ने वस्त्र क्यों बढ़ाया? एक तो सब जानते हैं कि उंगली कट गई थी द्रौपदी ने, भगवान ने कहा था कि लाओ मेरी उंगली कटी साड़ी, तो साड़ी कपड़ा लेने बजी और द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ी और उंगली बांधी। इसे सब जानते हैं। एक और बात है, क्या बात है? एक बार स्नान कर रहे थे द्रौपदी ऊपर और नीचे दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे, नदी में नदी बह रही थी, नीचे दुर्वासा ऊपर पर द्रौपदी। अब नगन दुर्वासा ऋषि की लंगोटी बह गई। अब लंगोटी बह गई तो पहने क्या? पहनने के लिए कुछ था नहीं। द्रौपदी पतिव्रता थी, द्रौपदी को पता चल गया कि दुर्वासा जी की लंगोटी बह गई है, अपनी साड़ी फाड़ी और वस्त्र बहते पानी में बहा दिया, नीचे जाएगा तो रस्सी ले लेंगे। ऐसे करते करते कम से कम 10 टुकड़े फाड़ के द्रौपदी ने बहा दिए और दुर्वासा ने क्या सोचा? किसी का वस्त्र बह के आ रहे हो, पर ये नहीं सोचा कि मेरे लिए डाल रही है ऊपर। जब मात्र दो हाथ साड़ी रह गई तब द्रौपदी का मन नहीं माना। द्रौपदी ने कहा, मुनिवर क्षमा करना, मैं बोलती नहीं पर मुझे बोलना पड़ रहा है, मैं ये वस्त्र तुम्हारे लिए ही डाल रही हूं, पहन लो। किसी ने भी विचार किया, नहीं पहनूंगा तो पहनने के लिए कुछ है ही नहीं, नगन हो जाऊं। जल कुंड में से निकली, द्रौपदी ने जो वस्त्र डाला वो दुर्वासा ऋषि ने पहना और दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दे दिया, द्रौपदी जब तेरे ऊपर विपत्ति आएगी तो यही वस्त्र तेरा 1000 गुना बढ़कर के भगवान तुझे देगा। तो इसीलिए भगवान ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई। तो सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, और सारी ही किनारी है, किनारी ही साड़ी। इतनी साड़ी भगवान ने वस्त्र बढ़ा दिया, ढेर लग गया साड़ियों का। दुष्ट दुशासन थकित हो गया पर साड़ी को नहीं खींच पाया, थकित होके बैठ गया। लाज भगवान ने बचा दिया, जिसके प्रभु रक्षक है उसका कोई बल बाका। जाको राखे साईया मार सके ना कोई, बाल लफा का कर सके जो जग बैरी होई। द्रौपदी की रक्षा हुई। शकुनी मामा ने कही, ठीक है भांजे, देख रहे हैं टीवी तो खूब देखते हैं, सत्यानाशी तो कुआओ शकुनी, यदि एक मार में थे पूरे कुल की रक्षा होती तो एक मार देना चाहिए। शकुनी को मार देते तो महाभारत नहीं होता, परंतु ऐसा होना था। शकुनी मामा ने कही, भांजी चिंता मत करें, अभी वो पे एक उपाय और रहते हैं। देखा तुमने, लक्षा भवन में भी आग लगवाई, वनवास दिलवा दिया इनको, वनवास भी लगा और वनवास पूरा होके भी वापस लौट के आए हस्तिनापुर में। जैसे ही आए तो कहा दरबार में जाके युधिष्ठिर ने, महाराज हमें कुछ दिलवा दो। भगवान को बुलाया द्वारकाधीश को, प्रभु आप ही कुछ करो। बोले मैं शांति दूत बन के जाता हूं, राजीनामा करवावी मैं जाए। भगवान शांति दूत बन के कहां गए? दुर्योधन के यहां। दुर्योधन ने स्वागत किया, आइए बैठिए, बैठिए, आसन दे दिया। कैसे आए? अपने घर को आगो तो नहीं तो पूछेंगे भैया कैसे आयो। कहा दुर्योधन ने, कैसे आयो प्रभु? मैं इसलिए आया हूँ दुर्योधन, कोई बात नहीं है, पांडवों को 5 गांव दे दो, ज्यादा मान लो 5 गांव ही दे दो। क्या जवाब दिया दुर्योधन ने? बिना युद्धेन केशव सूयमेकं न दास्यामि, एक सुई के बराबर बिना युद्ध के नहीं दूंगा। सूयमेकं न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, हे केशव एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, बिना लड़े युद्ध कर ले उन्हें। भगवान समझे कि अब युद्ध निश्चित होगा।
दुर्योधन ने कहा कि भोजन तो कर लो, बताओ ऐसे कोई भोजन करेगा? नहीं करेगा। भोजन कहाँ करते हैं? आव गया आदर गया नैनन गया सनी तुलसी दहान जाइए कंचन वर से लेह। मने कर दिया प्रभु ने, दुर्योधन तेरे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा तुम मेरे यहाँ कर लो, मुझे तुम्हारे यहाँ भी नहीं करूंगा, आज तो मैं भोजन करूंगा विदुर के यहाँ भोजन करूंगा, क्योंकि विदुर ही एक भगवान का भक्त था महाभारत में, जिसने कुटिया बना के विदुरानी के साथ में रात दिन भगवान का भजन करता था। कभी न कभी प्रभु मेरी झोंपड़ी में जरूर आएंगे, जैसे सबरी झाड़ू लगाती, कभी मेरे प्रभु जरूर आएंगे। ब्रजराज की कहानी सुनी बोरी सी ठकुरानी रानी प्रेम प्रकट भयो तो कांधे से झटक नटनागर ने फेंको चीर वह पीत पटका की के कट से लिपट गयो। पीतांबर फेंक दिया, पीतांबर कमर में लिपट गयो विदुरानी की। पहुंच गई भगवान अंदर चौपड़ी में, विदुरानी ने हाथ पकड़ लियो, हाथ पकड़ के बोली चलो यहाँ बैठो, बोली जय नहीं जय बैठो, अरे जय नहीं जय बैठो। भगवान बोले बैठाती रहूं घुमाती रहूं कछु खवावी, हमें तो लगी भूख। विदुरानी ने आसन लिया, बैठे भूखे हो बोले खिला लिया। प्रेम में इतनी पागल हो गई कि छिलका तो खिला रही है गुदे फेंक रही, भगवान छिलका खा रही थी इतने प्रेम में मगन हो गई। इतने में आ गए विदुर जी, ओह गजब। विदुर जी सब भूल गए, भक्त को भगवान मिल जाए तो शरीर मगन हो जाए। विदुर जी मगन हुए, विदुर जी तो नचने लगे, कैसे नचे कि मेरी आई है अंगना में श्याम सुंदर गिरधारी, मेरी आई
हो यमुना कबलती बटो जब गंगा जी कटो यमुना कबलती बटो मेरा प्रभु जब मेरे प्राण निकले जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे उस वक्त मत भूल जाना जब प्राण तन से निकले जब मेरे प्राण निकले तो मेरे सामने खड़े रहना ये मुझे दे दो। आपने वरदान द्रौपदी को दिलवा दिया। भगवान ने कहा एवं अस्तु वही हुआ। युद्ध में जब पिता महने बाणों की वर्षा की अर्जुन के प्राण संकट में पड़े भगवान ने रथ का पहिया हाथ में ले लिया। पिता महने कहा ये क्या कर रहे हो तुमने तो प्रण किया था कि हाथ में हथियार ले लूंगा ये क्या किया। भगवान ने क्या जवाब दिया मेरा प्रण कले चल जाए पर भक्त का मान न कले। पिता महने मैंने आपकी बात रखी है मेरी बात भले ही बिगड़ जाए। पिता में सरसैया पर पड़े हुए बड़ी बड़ी इमारती युद्ध में धाराशाही हो गए। दुर्योधन की जंघा टूट गई युद्ध के मैदान में डला हुआ है। पिता में सरसैया पर सो रहे थे कुंती द्रौपदी पांचों पांडव सरसैया के यहां पहुंच गए। पिता में पांचों पांडवों ने द्रौपदी ने कुंती ने नमन किया। भगवान खड़े हैं सामने भीष्म पितामह। युधिष्ठिर ने कहा पितामह हम आपसे कुछ ज्ञान सीखने आए हैं धर्म की चर्चा करने आए हैं। पितामह ने क्या जवाब दिया युधिष्ठिर ये तो धर्म तत्व जय जहां धर्म होता है वहां विजय होती है। कौरव किए थे अधर्मी थे अधर्म का युद्ध कर रहे थे और ये तो कृष्ण तत्व जय जहां कृष्ण है वहां विजय है। द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी ने कहा पितामह अब धर्म की चर्चा कर रहे हैं जब मेरा चीर खिंचा था तब धर्म कहां गया था तुम्हारा क्या जवाब दिया पितामह। द्रौपदी उस वक्त मैंने अन्न खाया था दुर्योधन जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। वो रक्त मेरे शरीर में भरा हुआ था अब अर्जुन के बाणों से बाहर निकल गया अब दूसरे तरफ शुद्ध रक्त भरा हुआ है इसलिए मैं धर्म की चर्चा कर रहा हूं। वहां से भी आए अब युद्ध के मैदान में दुर्योधन की जंगा टूटी पड़ी है और जाकर के अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने कहा
दुर्योधन तेरी विजय होती कैसे? तुझे कभी किसी ने आशीर्वाद दिया? महाभारत में देखते हैं, टीवी सीरियल पे देखते हैं, दुर्योधन को कभी किसी ने विजयी भव नहीं कहा। पूरा महाभारत देख लेना, कभी किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया। युधिष्ठिर को सबने दिया। बोले तूने मुझे सेना नायक बनाया नहीं, क्या आज बना दूं? तो आज पांचों पांडवों के सिर लाके दे दूंगा। अश्वत्थामा के तिलक कर दिया, काय का खून का, खून की धार भरी, वही टीका कर दिया। अशुभ टीका तो पहले ही हो गया। द्रौपदी के पांचों पुत्र सो रहे थे, पांचों पांडव भी उसी कक्ष में थे। भगवान के, भगवान ने कहा पांडवों तुम्हें कुछ पता है? तुम्हारे मारने का प्लान बना लिया है अश्वत्थामा ने। युधिष्ठिर का हमें क्या चिंता जब आप हमारे रक्षक हैं? चलो यहाँ से। उस कक्ष में थे पांडवों को तो ले गए, द्रौपदी के पांचों पुत्र सोते रहे। अश्वत्थामा या पांचों पुत्रों के सिरों को काट के ले गया। दुर्योधन के यहाँ पहुंच गया, ये लो पांचों पांडवों के सिर ले आए। दुर्योधन ने जैसे ही मसला, द्रौपदी के पुत्र का सिर था चूर चूर हो गया। अरे अधर्मी, चलो हम में आपस में दुश्मनी थी, पर तेने तो हमारे कुल का विनाश। सवेरा हुआ, द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन आया, अर्जुन ने कहा बात क्या है कि अश्वत्थामा सिर ले गया। बस उसी समय दुर्जन अर्जुन चल दिया आगे, अश्वत्थामा पीछे। अर्जुन, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब प्राण संकट में अर्जुन ने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है? बोले अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन को पकड़ लिया, द्रौपदी के सामने ले आए। कहा द्रौपदी बोलो क्या करूं, मार दूं? भगवान ने कहा मारो भी मत और छोड़ो भी मत। ये दो बातें कही, मारो भी मत और छोड़ो भी मत। अर्जुन पर गए धर्म संकट में, तो क्या करूं? कि धर्म सने हो भय मत घेरी, और भयत सांप छचुंदर घेरी। अब क्या करूं? और द्रौपदी मार दूं? द्रौपदी का नंदन, क्यों? इसे मारने से मेरे पुत्र जीवित तो नहीं हो जाएंगे? वो तो मरी गई, ये अपनी माँ के कृपा के अकेला पुत्र है। मैं पांचों के लिए रो रही हूँ, इसकी मां रोएगी, तुमसे मेरे पुत्र तो जीवित नहीं होंगे। अरे मत छोड़ दो। द्रौपदी की दया की भावना देखिए, ये आजकल किसी एक माँ के बालक का कुछ चांटा दे दे तो क्या कहती है, जाने मैं के एक दवे आगे दो दे। पर द्रौपदी की दयालुता देखिए, अरे मत छोड़ दो। गुरु पुत्र भगवान ने कही अर्जुन, इसके माथे में मणि है, या को सिर मंडन करो, मणि ये निकलवाई दे और छोड़ दो अश्वत्थामा को। ब्राह्मण के मणि क्या होती? मणि नहीं थी, मणि क्या होती? बुद्धि होती है मणि ब्राह्मण की। अपमान कर दो, अपमानित हो गया, मरने से भी बेकार हो गया। सिर का मंडन किया, अश्वत्थामा को छोड़ दिया। आज भी चिरंजीव है अश्वत्थामा बलर व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुराम से सत्य ते चिरंजीव नो साप्त चिरंजीवी है। आज भी अश्वत्थामा वनों में घूमता रहता है। इधर उधर अश्वत्थामा लज्जित होके चला गया। भगवान ने विचार किया कि मैं द्वारका को चलूं, पर अश्वत्थामा का फिर भी मन नहीं माने। उन्हें छिप करके देखता रहा अभिमन्यु भार्य जिसके घरों में बालक था, बदला लेने देखता रहा कि ठीक, अब इस पैदल ने तो पांच बालकों को मारा, अब इस उत्तरा के गर्व को ही नष्ट कर दूंगा। भगवान द्वारका जाने लगे, तब तक अभिमन्यु भार्य उत्तरा दौड़ी हुई चली आई, बाण छोड़ा लोहे का, पाय पाय महायोगिन्द्र देव देवाधि जगतपति प्रायमान प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। मैं भले ही मर जाऊं पर मेरे गर्भ में बालक है, वो नहीं मर जाए। भगवान ने गर्भ के शिशु की रक्षा की, छोटे रूप बनते, एक रूप से छोटा रूप बनाया और गर्भ में प्रवेश कर गई। मर गया था बालक, उसको जीवित किया, पुनर्जीवित भागवत में जीवित किया बालक, रक्षा कर। चलने को लगे, द्वारका को जाने लगे, कुंती बुआ रस्ते में आई। कुंती ने कैसे मन जाओ, मुझे कछु दे जाऊ तब जाइए।
हमारे क्या मांगती हुआ मांगो बोल भक्त चले भगवान की जय हो। नींद आ रही आंखों को मैं निद्रा देवी जरूर आती है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रे कहा जो तो कथा की और कुंती खड़ी है भगवान के सामने। भगवान ने कहा बुआ मांगो, बुआ मांगो क्या मांगती हो? कुंती ने क्या कहा? आज मैं भतीजी के नाते से ना मांग रही, आज मैं परम ब्रह्म परमात्मा त्रिलोकी नाथ से कुछ मांग रही हूँ। बुआ जी क्या कर, तुम तू त्रिलोकी नाथ मेरा भतीजा नहीं? यदि त्रिलोकी नाथ नहीं होता तो मेरे बालकों की लाक्षा भवन से रक्षा नहीं होती। यदि त्रिलोकी नाथ नहीं होता तो ऐरावत को लेके भीम आया, उस वक्त प्राण नहीं बचते। जहां जहां रक्षा की है प्रभु, तुमने ही मेरे पुत्रों की रक्षा की। आज मैं मांगूंगी वो ले लूंगी। बोले मांगो, आज मुझे दुख दे दो। कुंती ने क्या मांगा? दुख मांगा। भगवान ने कहा बुआ तुम्हें सुख मिला कब? तुम्हारे पति की मृत्यु हुई पांडव को तब दुख, तुम्हारे बालक छोटे छोटे रह गए भोजन बनाती महल में तब दुख, लाक्षा भवन में जलवाया तब दुख, द्रौपदी का चीर्ण हरण हुआ तब दुख, और फिर भी दुख मांग रही हो। क्या जवाब दिया कुंती ने? के सुख के माथे सिल पर जो राम हृदय ते जाए, बलिहारी या दुख की पल पल राम रटाए। मैं दुख में तुम्हारा नाम लेती रहूंगी, भूलूंगी नहीं, इसलिए मुझे दुख ही दे। भगवान जिसे मिले हैं उसे दुख में, दुख में सुमिरन सब करी, ये सत्य, दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करे कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक कोई।
कष्ट आता है तो क्या कहेंगी, हे माता मैया, हे बैरारी वाली मैया, हमारे कष्ट दूर कर दे तो वह पठन करवा देंगे, कन्या जमा देंगे। हनुमान जी महाराज, हमारे कष्ट दूर कर दे, रामायण करवा देंगे, चोला चढ़वा देंगे, पक्को। जब दुख में कहते और सुख में मंदिर में जाने को समय ना मिला। और भगवान ने द्रौपदी कुंती को दुख दे दिया। यहाँ थोड़ा सा विराम लेते हैं, उसके बाद में पुनः कथा होगी। थोड़ा विराम। श्री बांके बिहारी जी दूर करो दुख में।